इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना, ये मेरा अपनी कौम से वादा है। ये मैं अल्लाह से, अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया मैंने इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना। लेकिन मेरा जो मर्जी आपने करना करे, मैं आज आप सबको बता रहा हूँ, एक एक को मैंने जिस जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे लोगों के ऊपर क्या गुजर रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश मलिक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अहम बयान दिया है। धरने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये तमाम लोग मेरे मुंह से तीन अल्फाज सुनना चाहते हैं और वो अल्फाज हैं NRO। इमरान खान ने मजीद कहा कि इनको NRO नहीं दिया जाएगा और उनका कहना था कि इनको NRO देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। जब तक मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों को जिम्मेदार न ठहराया जाएगा, मुल्क तरक्की की राह पर नहीं चल सकता। अहम बयान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर दिया है। धरने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि ये तमाम लोग मेरे मुंह से तीन अल्फाज सुनना चाहते हैं और वो अल्फाज हैं NRO। इमरान खान ने मजीद कहा कि इनको NRO देना मुल्क से गद्दारी होगा। जब तक मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों को जिम्मेदार न ठहराया जाएगा, मुल्क तरक्की की राह पर नहीं चल सकता। आपको ये भी बताएं कि अपोजिशन जमातों का धरना भी जारी है और आज अहम ऐलान की भी तवक्को की जा रही है। मौलाना फजल रहमान का कल कहना था कि आज के दिन अहम और सख्त ऐलान करेंगे। मजीद खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।